Hello, dear students. In today's class, we are going to learn about the reproduction in plants. So, before starting this chapter, let us understand the meaning of the word reproduction. Alright. So, when you will look at this word reproduction, you will come to know about its meaning also. This word is made up of two words re and the other word is production. सो रीवर्ड का मतलब क्या होता है दोबारा से रिपीट करना और प्रोडक्शन मतलब प्रोड्यूस करना दोबारा से किसी चीज़ को प्रोड्यूस करना दैट इज़ नोन एज द रीप्रोडक्शन राइट अब ये जो रिप्रोडक्शन है वो पेरेंट्स करते हैं और पेरेंट्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो कैसे इंडिविजुअल को जन्म देते हैं वो सेम अपने जैसे ही इंडिविजुअल को बर्थ देते हैं सो दिस एंटायर प्रोसेस इज नोन एज द रिप्रोडक्शन ठीक है अब इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो डेफिनेशन क्या है कि द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन ऑलराइट अब जैसा कि आप इस पिक्चर्स में भी देख सकते हो कि जैसा एक पेरेंट है वैसा ही उसका बच्चा भी है ऑलराइट राइट right? कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि कभी किसी टाइगर ने किसी हॉर्स को बर्थ दिया हो या कभी किसी हॉर्स ने किसी डॉग को बर्थ दिया हो तो ऐसा क्यों क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होता है तो हमेशा जैसा पेरेंट होता है सेम वैसी ही स्पीशीज़ का उसका बेबी भी होता है राइट right? अब ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स अब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं आपने देखे होंगे लिविंग ऑर्गेनिजम बहुत छोटे से छोटे माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं एंड बहुत बड़े भी होते हैं तो हर तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए रिप्रोडक्शन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है

अब इन दोनों को आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेंगे ठीक है क्योंकि बहुत ही दोनों इम्पॉर्टेंट हैं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसा कि आप नाम देख रहे हो असेक्शुअल ठीक है अब जिस भी वर्ड के आगे ए लग जाता है तो उसका मतलब क्या होता है ए मतलब हो गया कि विदाउट ठीक है अब अ मतलब विदाउट सेक्स ऑर्गन्स जब सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं है दैट मीन्स अ रिप्रोडक्शन हो रहा है ऑल राइट वेयर एज आप देखोगे यहाँ पे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं जिसमें टू पेरेंट्स की जरूरत होती है एक मेल होना चाहिए और दूसरा फीमेल होना चाहिए ऑल राइट right. अब अब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं तो प्लांट्स में हम देखते हैं कि दो तरह के हमारे रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं एक होता है असेक्शुअल और सेक्शुअल रिप्रोडक्शन तो अब आपको उससे भी पहले असेक्शुअल रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि प्लांट्स के कितने तरह के पार्ट्स होते हैं तो प्लांट्स के टू पार्ट्स होते हैं प्लांट्स हैव द टू टाइप्स द फर्स्ट वन इज द वेजिटेटिव पार्ट एंड द सेकेंड वन इज द रिप्रोडक्टिव पार्ट सो इन वेजिटेटिव पार्ट्स यू विल सी इट हैज़ अ रूट्स स्टेम्स एंड लीव्स ऑल राइट वेयर एज द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज फ्लावर्स ठीक है तो जब भी हम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसमें बेसिकली कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा दैट विल बी योर फ्लावर्स एज जब हम वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे या फिर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें आप देखोगे कि रूट्स स्टेम और लीव्स जो है वो इन्वॉल्व होंगे इस टाइप के रिप्रोडक्शन में ठीक है सो एक और एक छोटी सी बात है जो आई थिंक आपको पता होगी बट मैं एक बार आपको फिर से बता देती हूँ कि जो प्लांट है उसके अंदर आप देखोगे रूट सिस्टम होता है एंड शूट सिस्टम होता है ठीक है तो शूट सिस्टम में आप देखोगे कि शूट सिस्टम क्या होता है जो भी पार्ट प्लांट का सॉयल से ऊपर का है दैट विल बी नोन एज द शूट सिस्टम ऑल राइट वेयर एज द पार्ट ऑफ द प्लांट विच आर बिलो द सॉइल आर नोन एज द रूट सिस्टम ठीक है तो शूट सिस्टम में आप देखोगे कि हमारे फ्लावर्स भी आते हैं लीव्स भी आते हैं स्टेम भी हैं फ्रूट्स भी हैं ऑल दीज आर द शूट सिस्टम ठीक है एंड वेयर एज योर रूट विल कम अंडर योर रूट सिस्टम सो आफ्टर नोइंग दिस लेट अस अंडरस्टैंड कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है ठीक है अब असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जैसा मैंने आपको बताया है कि अ रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि Uh, जो इसमें सेक्स ऑर्गन्स इन्वॉल्व नहीं होते हैं ठीक है इट हैपन्स बिकॉज ऑफ द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द फ्लावर ऑल राइट अवेयर एज इन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन यू सी द सेक्स पार्ट ऑफ द फ्लावर आर इन्वॉल्व and one more important thing is a sexual reproduction may have a single parent is capable of producing the young ones whereas in the sexual reproduction

हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं सो फर्स्ट वन इज़ योर बाइनरी फिशन ठीक है एंड सेकेंड वन इज़ योर मल्टीपल फिशन देन यू हैव बडिंग देन यू हैव फ्रेगमेंटेशन एंड देन आफ्टर फ्रेगमेंटेशन यू हैव स्पोरेशन दैन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है सो इन दिस क्लास वी विल बी लर्निंग अबाउट योर बर्डिंग

और रिप्रोड्यूस करता है दैट इज़ नोन एज द बाइनरी फिशन सो बाइनरी फिशन हमें कहाँ देखने को मिलता है मोस्टली इन द अमीबा ठीक है अमीबा एक यूनि ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है इसके टू पार्ट्स में ये डिवाइड हो जाएगा ठीक है एक यहाँ हो गया हमारा एक यहाँ हो गया अब ये जो हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं ये नए इंडिविजुअल ये हमारे न्यू यंग ठीक है थीके? अब आप देखोगे मल्टीपल फिशन ठीक है मल्टीपल फिशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई इंडिविजुअल बहुत सारे पार्ट्स में मोर देन टू पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाता है ठीक है और रिप्रोड्यूस करता है देन नेक्स्ट इज योर बर्डिंग अब बर्डिंग जो है बर्डिंग फ्रेगमेंटेशन स्पोरुलेशन और वेजिटेटिव प्रोपगेशन इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं ठीक है तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप वेजिटेटिव प्रोपगेशन जो है वो भी टू टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन इज योर नेचुरल एंड द अनदर वन इज़ योर आर्टिफिशियल अब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब जो नेचर में अपने आप होते हैं अब जब नेचर में अपने आप होते हैं तो वो किसके थ्रू होते हैं वो रूट्स के थ्रू होते हैं स्टेम्स के थ्रू होते हैं और लीव्स के थ्रू होते हैं ठीक है वेर एस आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में क्या होता है इसके अंदर भी आप देखोगे कि वेजिटेटिव पार्ट्स ही इन्वॉल्व होते हैं ठीक है सी बात है जब हम असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो उसमें वेजिटेटिव पार्ट्स ही हमारे इन्वॉल्व होंगे लेकिन आर्टिफिशियल जो हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है इसके अंदर जो ह्यूमंस हैं वो इस्तेमाल uh, करते हैं इसका ठीक है अब ह्यूमंस के थ्रू ये होते हैं कटिंग्स हो गया ग्राफ्टिंग हो गया लेयरिंग हो गया एंड टिश्यू कल्चर हो गया सो so बेसिकली आप देखोगे ये जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है आर्टिफिशियल मेथड में इसका पर्पस क्या होता है कि ह्यूमंस जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ठीक है अपने डिज़ायर के अकॉर्डिंग या उनकी क्वालिटीज को अपने प्लांट्स की क्वालिटीज़ को एनहैंस करने के लिए ये सारे जो मेथड्स हैं उनको वो इन्वॉल्व करता है ठीक है अब वो कैसे करता है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे सो so नेक्स्ट आप देखोगे कि नेक्स्ट है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है सेम अभी जो हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की इसके अंदर वेजिटेटिव पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं ठीक है इट इज़ अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ न्यू प्लांट्स आर प्रोड्यूसड फ्रॉम योर रूट रूट हो गया स्टेम लीव्स एंड बर्ड्स तो ये हमारे वेजिटेटिव पार्ट्स जब इन्वॉल्व होते हैं किसी भी रिप्रोडक्शन में सो दैट रिप्रोडक्शन इज नोन एज द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन सिंस रिप्रोडक्शन इज थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट इट इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सो इसका नाम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्यों पड़ा क्योंकि इस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन के अंदर वेजिटेटिव पार्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है सो ड्यू टू दिस रीजन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्लियर टू एवरी वन आगे बढ़ें ऑल राइट right. चलिए अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो नेचुरल मीन्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है जो नेचुरल मेथड्स है जिससे प्लांट रिप्रोड्यूस करता है वो कैसे होता है ठीक है तो यहां पे आप देखोगे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स ठीक है हम पहले रूट्स के बारे में पढ़ेंगे उसके बाद हम स्टेम्स और लीव्स के बारे में पढ़ेंगे ठीक है सो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट्स में क्या होता है ये हमें किस तरफ के प्लांट्स में देखने को मिलता है आपने देखा होगा स्वीट पोटैटोस ठीक है स्वीट पोटैटोस अगर नहीं देखा है तो यहाँ देखो ये इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा होगा ये है स्वीट पोटैटो तो स्वीट पोटैटो बेसिकली क्या है इट इज़ अ इट इज़ अ रूट ऑफ अ प्लांट और राइट तो आपने देखे होंगे कुछ प्लांट्स जो हैं वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं रूट के अंदर तो वैसे ही यहाँ पे स्वीट पोटैटो जो है वो एक तरह का रूट है और राइट अब ये रिप्रोड्यूस किसके थ्रू करता है ये भी अगर आप एक स्वीट पोटैटो uh, का स्वीट uh, पोटैटो को आप सॉइल के अंदर सो कर दोगे और उसको फेवरेबल कंडीशन दोगे तो आप देखोगे कुछ दिनों के बाद उसमें से न्यू प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन इज नोन एज द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट ठीक है अब क्या होता है कि आप यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे डहेलिया प्लांट है ठीक है ये डहेलिया के फ्लावर्स हैं बहुत ही सुंदर फ्लावर्स हैं ठीक है थीके? अब ये जो प्लांट्स है ये भी कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय द रूट ठीक है root, यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो यहाँ पे एक रूट है ये डहेलिया प्लांट का रूट है ठीक है जब आप इसको सॉयल में रख डालोगे और इसको फेवरेबल कंडीशंस दोगे तो आप देखोगे कि इसमें से न्यू प्लांट्स आने शुरू हो गए ऑल राइट क्लियर तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट देखिए वेजिटेटिव प्रोपोकेशन बाय स्टेम ठीक है अब स्टेम के थ्रू भी हमारा रिप्रोडक्शन होता है अब ये कैसे होता है रिप्रोडक्शन आप देखो यहाँ पे आप ये देख रहे हो पोटैटो अब पोटैटो अगर मैं आपसे पूछूँ कि व्हाट इज अ पोटैटो पोटैटो इज अ रूट स्टेम लीफ व्हाट सो आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू विल आंसर दैट इट इज़ अ रूट बट इट इज़ नॉट अ रूट इट इज़ अ स्टेम अब ये कैसा स्टेम है इट इज़ अ मॉडिफाइड स्टेम ठीक है ऐसे आप बहुत सारे प्लांट्स देखोगे जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मॉडिफाइड रूट आपको देखने को मिलेंगे मॉडिफाइड लीव्स होंगे मॉडिफाइड शूट्स uh, होंगे ठीक है so, सो यहाँ पे आप देख रहे हो हम पोटैटो का एक एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि पोटैटो क्या होती है एक मॉडिफाइड स्टेम होता है ये ठीक है अब ये जो पोटैटो है हमारा इसको हम स्टेम ट्यूबर्स भी बोलते हैं स्टेम ट्यूबर्स ठीक है अब जब आप इसको सॉइल के अंदर डालोगे इस पोटैटो को तो क्या होगा कुछ दिनों के बाद आप देखोगे इसके अंदर से न्यू न्यू प्लांट्स जो हैं वो न्यू प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करेगा तो ठीक है आप ये जो पोटैटो है इसके ऊपर आप देख पा रहे होगे इस पोटैटो के ऊपर ये छोट छोटे छोटे बर्ड्स आपको दिख रहे हैं ठीक छोट है ये छोटे छोटे बर्ड्स जो हैं इनको हम आई भी बोलते हैं ठीक है तो ये जो आइज हैं पोटैटो आइज़ हैं यहीं से नए नया जो हमारा लीव्स है प्लांट का वो निकलना स्टार्ट होता है तो पटेटो में आप देख सकते हो या फिर जिंजर में ठीक है या फिर आप गार्लिक में अनियंस में ये सारे जो हैं ये हमारे मॉडिफाइड स्टेम होते हैं ठीक है सो नेक्स्ट चलते हैं हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय लीव्स ठीक है अब ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई लीव्स ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है कौन से प्लांट में देखने को मिलता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमेशा एग्जाम में आता है ठीक है सो इसको लर्न करना बहुत ज़रूरी है आपको कि जो ब्रायोफिलम हमारा प्लांट है ब्रायोफिलम प्लांट उसके अंदर आप देखोगे कि हमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई लीव्स देखने को मिलता है ठीक है अब इसका लीव्स आप देख सकते हो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस इमेज में कि ये हमारा ब्रायोफिलम है ठीक है अब इस ब्रायोफिलम में आप देख रहे हो यहाँ पे इस लीफ के मार्जिन पर बहुत सारे हमें बर्ड्स देखने को मिल रहे हैं ये जो हमारे छोटे छोड़ छोटे बर्ड्स हैं जब ये डिटैच होकर सॉइल में गिरते हैं ठीक है और जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो एक ये नए प्लांट में डेवलप करने लगते हैं यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो यहाँ पे ये यह आपका ये लीफ है इस लीफ के मार्जिन पे देख रहे हो आप कि एक छोड़ छोटे छोटे लीफ बर्ड्स हैं ये ठीक है अब ये लीफ बर्ड्स जब नीचे गिरेंगे सॉइल में और जैसे ही इनको अपनी फेवरेबल कंडीशन राइट टेम्परेचर राइट मॉइस्चर मिलना स्टार्ट होगा तो क्या होगा कि ये नए प्लांट में ग्रो करने लगेंगे ठीक है क्लियर टू एवरी वन यहाँ तक क्लियर हो गया ऑलराइट, ऑल राइट नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं आर्ट सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन अभी हमने इससे पहले डिस्कस किया था नेचुरल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन ठीक है नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द आर्टिफिशियल मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन सो द वर्ड आर्टिफिशियल मीन्स जहाँ पे ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट होता है दैट इज नोन एज द आर्टिफिशियल ठीक है अब इसमें सबसे पहला मेथड है हमारा कटिंग मेथड सो द कटिंग मैथड आपने अपने आस पास देखा होगा रोज़ प्लांट की कटिंग हम लोग करते हैं एंड देन वॉट वी डू वी प्लांट दैट स्टेम इन टू द सॉयल एंड आफ्टर फ्यू मंथ्स और आफ्टर फ्यू डेज वी सी दैट न्यू लीव्स विल कम आउट ऑफ इट सो ये रिप्रोडक्शन जो हो रहा है वो कौन सा रिप्रोडक्शन है ये कटिंग मैथड है ठीक है सो so, यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हो यर यू कैन सी बोगिनविलिया प्लांट का हमने स्टेम को कट किया एंड देन वी विल प्लांट इट इन अ सॉयल सो आफ्टर अ फ्यू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द न्यू लीव्स विल कम आउट ऑफ इट एंड और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसमें हमें ये कटिंग मेथड यूज करके हम नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं सो योर आंसर विल बी द शुगर केन और द रोज और द बोगेवीलिया हिबिस्कस ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द प्लांट्स इन विच वी कैन सी द कटिंग मैथड रिप्रोडक्शन ठीक है नाओ नेक्स्ट इज़ आर ग्राफ्टिंग मैथड ठीक है ये मैथड जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है ठीक क्यूं है अब इसमें ये इंटरेस्टिंग इतना क्यों है क्योंकि आप देखोगे कि इसके अंदर हम लोग टू डिफरेंट प्लांट्स को यूज़ करके एक नया प्लांट बनाते हैं ठीक है अब आप कहोगे ये कैसे होता है तो आपको इसके लिए ध्यान से सुनना पड़ेगा ठीक है ध्यान से समझिए कि इसमें हम क्या करते हैं सबसे पहले इट इज़ अ टेक्निक दैट ज्वाइंस टू प्लांट्स इंटू वन ठीक है हम टू डिफरेंट प्लांट्स को ज्वाइन कर देते हैं एंड फिर कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि वो दोनों प्लांट्स एक ही प्लांट की तरह एकदम बिल्कुल अटैच हो जाएगा और आपको लगेगा ही नहीं कि ये कोई दूसरे प्लांट का पार्ट है वो एक ही प्लांट की तरह दोनों ग्रो करेंगे ठीक so, है सो इसमें टू इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हमारे एक है हमारा रूट स्टॉक एंड नेक्स्ट वन इज़ योर साइन ठीक है जो रूट स्टॉक है वो हमारा पॉटेड प्लांट है ठीक है जिसका रूट जो है वो सॉइल में लगा हुआ है एंड साइन इज द पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट ठीक है हमने डिफरेंट प्लांट का जो पार्ट कट किया है दैट विल बी योर साइन सो इन दोनों को हम क्या करेंगे रूट स्टॉक को और यहाँ पे आप देख रहे हो ये हमारा रूट स्टॉक है एंड दिस इज योर साइन अब इन दोनों को हम लोग यहाँ पे ले आके यहाँ पे अटैच कर देंगे तो यहाँ पे जब हमने इसको अटैच कर दिया तो क्या होगा उसके बाद अटैच करने के बाद हम इसको अब इसको हमें एक साथ ज्वाइन करके रखना है तो ज्वाइन कैसे करके रखेंगे हम लोग हमारे पास एक रैपिंग या फिर टेप्स होते हैं ठीक है ग्राफ्टिंग टेप्स होते हैं या फिर प्लास्टिक्स होती है जिससे हम इसको रैप कर देते हैं एंड देन क्या होगा कि इन दोनों के जो टिश्यूज़ हैं इन दोनों प्लांट्स डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के जो टिश्यूज़ हैं वो आपस में अटैच हो जाते हैं और वो एक सिंगल प्लांट की तरह वो ग्रो करना स्टार्ट करता है तो इस मेथड को हम लोग एक अच्छे से समझ सकते हैं वीडियो के थ्रू मेरे पास एक वीडियो है जिसको आपको अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा एंड देन यू विल कम टू नो कि क्या हो रहा है इसके अंदर देखो यहाँ पे हमारे पास एक पॉटेड प्लांट है देखिए ये हेबिस्कस का प्लांट हमने लिया हुआ है एंड देन ये हमारा जो दूसरा प्लांट है हेबिस्कस का उसका पार्ट लिया है तो दिस पार्ट इज नोन एज दिस पार्ट विल बी योर ये जो पार्ट है हमारा ये साइन है ठीक है और ये जो पॉटेट वाला प्लांट है ये वाला पार्ट हमारा दिस इज आवर स्टॉक पार्ट ठीक है आप इसको आप आराम से देखिए कि इसमें क्या किया जा रहा है ठीक है इसमें हम क्या कर रहे हैं देखो इसको शार्प तरीके से आपको आपको उसको शार्प करना है ठीक है इस तरह से हमें इसे कट करना होगा एंड देन इसके बाद हम देखेंगे कि ये क्या करेगा ये जो हमारा स्टॉक है रूट स्टॉक है इसमें भी थोड़ी सी वो जगह हमें बनानी पड़ेगी सो दैट वी कैन इंसर्ट इट ठीक है यहाँ पे हमें इसे कट लगाना है एंड देन कट लगाने के बाद आप क्या करोगे आप इसके अंदर ये जो हमने साइन वाला पार्ट है दूसरा हमारे हेबिस्कस पार्ट प्लांट का जो पार्ट है उसको हम इसको इससे इंसर्ट करेंगे ठीक है अब इंसर्ट करने के बाद आप देखोगे ये देखो इस तरह से इंसर्ट कर दिया हमने एंड देन वी हैव टू रैपिट इसको हमें एक आ, किसी भी ये यहाँ पे इसने प्लास्टिक का लिया हुआ है एक कप उसको थ्रेड से इसने इसको बांध दिया है एंड नेक्स्ट आप देख रहे हो यहाँ पे एक ग्राफ्टिंग आ, आ, टेप है हमारे पास ठीक है ये एक पॉलिथिन की तरह से ही होता है और इसको हमने इससे अटैच कर दिया एंड देन इसके बाद आप देखोगे कि इसके ऊपर भी हमें पॉलिथीन से इसको रैप करके ट्वेल्व डेज तक इसने रखा है एंड देन आफ्टर टू डेज यू विल ऑब्जर्व दैट द न्यू लीव्स विल कम आउट ऑफ इट ठीक है अब ये हमारा न्यू प्लांट जो है ये हमारा बन गया है ठीक है so, सो ये हमारा ग्राफ्टिंग का मेथड है जो हम यूज करते हैं सो so, ये भी एक आर्टिफिशियल मेथड है ऑल राइट आई होप यू हैव अंडरस्टूड चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगशन अब क्या क्या एडवांटेजेस हैं इस वेजिटेटिव प्रोपगेशन के ऑल राइट सो प्लांट प्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव प्रोपोगशन टेक्स लेस टाइम टू ग्रो एंड बियर फ्लावर्स एंड फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स ठीक है अब देखो ये समझने की बात ये है इसके अंदर कि जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है इसके अंदर बहुत ही लेस टाइम के अंदर हमें ग्रोथ देखने को मिलती है वेयर एज अगर आप एग्ज़ाम्पल ले लो सेक्शुअल uh, रिप्रोडक्शन जो है हमारा ठीक है जिसमें क्या होता है सीड इन्वॉल्वस होते हैं तो अब आप इमेजिन कर सकते हो फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास मैंगो का ट्री है ठीक है अब मैंगो का ट्री आपने लगाया अब उसको फ्रूट आने में उसमें कितने टाइम लग जाएंगे दो साल लग जाएंगे मिनिमम दो साल के बाद आप देखोगे वो फ्रूट उसके अंदर आएंगे एंड देन फ्रूट के बाद उसके अंदर सीड आएंगे सीड और फिर जब आप दोबारा से उसको सो करोगे सॉइल के अंदर एंड देन आपको एक नया प्लांट मिलेगा सो so आप कह सकते हो कि दो से ढाई साल लग जाएंगे हमें अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू अगर रिप्रोडक्शन कराते हैं बट अगर हम ये मेथड यूज़ करें वेजिटेटिव प्रोपगेशन का स्टेम को यूज़ कर रहे हैं हम रूट को यूज़ कर रहे हैं या लीव्स को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आप देखोगे बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर विद इन अ मंथ आपको न्यू प्लांट मिल जाते हैं ऑलरेट नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोड्यूसेस आइडेंटिकल क्वान क्वालिटी एज द पेरेंट ठीक है अब इसमें हमने शुरू में ही बात किया था आपसे कि ये जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है या फिर अ रिप्रोडक्शन है इसके अंदर सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है ठीक है इसमें टू पेरेंट्स टू पेरेंट नहीं चाहिए हमें तो सिर्फ एक ही पेरेंट है हमारे पास तो जब वो रिप्रोड्यूस करता है तो उसके अंदर जो न्यू प्लांट हमारा है उसके अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो उस सिंगल पेरेंट की ही आती है वेरस जब आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में देखते हैं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो आधे क्वालिटी एक पेरेंट के हैं दूसरे को आधे क्वालिटी दूसरे पेरेंट के हैं तो दोनों का एक मिक्सचर एक एमालगमेशन हमें मिलता है ठीक है नेक्स्ट है फ्लावर्स प्रोड्यू फ्लावर्स प्रोड्यूज आर ऑफ सुपीरियर क्वालिटी तो जो फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं इसके अंदर इस मैथड के थ्रू वो सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं फॉर एग्जाम्पल अभी हमने ग्राफ्टिंग मैथड देखा था अब उस ग्राफ्टिंग मैथड में हमने क्या यूज़ किया था हमने हेबिस्कस प्लांट यूज़ किया था तो मान लो आपके पास हैबिस्कस प्लांट है रेड कॉलर का है ठीक है अब आप चाहते हो उसके अंदर उसी रेड वाले प्लांट के अंदर ये आपके येलो भी आए पिंक भी आए मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फ्लावर्स आए तो आप ग्राफ्टिंग मेथड यूज़ करके आप डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के प्लांट्स जो है फ्लावर्स uh, जो है वो ग्रो कर सकते हैं एक सिंगल प्लांट में एंड देन डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड ठीक है अब ये ग्राफ्टिंग मेथड ही है इसी में हम लोग इसको यूज करके हम डिजायर्ड कैरेक्टर्स को पा सकते हैं सो नाओ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बर्डिंग मैथड सो बर्डिंग इज ऑल्सो अ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ठीक है ये असेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है जिसमें सिर्फ एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है सो दिस काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन वी सी इन ईस्ट ठीक है आप ईस्ट यहाँ पे देख रहे हो ईस्ट इज एन ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन्स अ सिंगल सेल तो ये एक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होता है इट कैन प्रोपोगेट एवरी आर इफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिय आर प्रोवाइडेड टू इट सो ये जो ईस्ट है इसके अंदर बहुत ही फास्ट ग्रोथ होती है ठीक है अगर इसे प्रॉपर पूरी न्यूट्रिशन मिलते रहे तो ये विद इन एन आवर बहुत ज़्यादा ग्रो कर लेते हैं सो इन दिस प्रोसेस अ न्यू ऑर्गेनिजम इज डेवलप्ड फ्रॉम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द पेरेंट बॉडी तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट इमेज में यहाँ पे फर्स्ट इमेज हमें दिख रही है ये हमारे पास पेरेंट ईस्ट है अब ये इस पेरेंट ईस्ट की बॉडी से ही आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्मॉल बर्ड बनना स्टार्ट हो गया है ठीक है तो यहाँ पे ये यह आप देख रहे हो ये फुल्ली ग्रोन हमारा ये बर्ड है एंड देन ऐसा जरूरी नहीं है कि जो ईस्ट है वो हमेशा सिर्फ एक सिंगल बर्ड को ही ग्रो करेगा ठीक है आप यू कैन सी द चेन ऑफ बर्ड्स ऑल्सो यहाँ पे आप देख रहे हो थ्री डिफरेंट यहाँ पे न्यू ऑर्गेनिज्म हमारे ग्रो कर रहे हैं ठीक है थीके? तो बर्डिंग मेथड जो है वो हमें ईस्ट में देखने को मिलता है एंड नाउ नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट फ्रैगमेंटेशन ठीक है फ्रेगमेंटेशन जो मेथड है हमारा फ्रैगमेंटेशन वी जनरली सी इन द स्पाइरोगेरा और द एल्गे ठीक है स्पाइरोगेरा क्या है एक तरह की एल्गे की वैरायटी है सो so, आप देखोगे ये मेथड स्पायर वगैरह के अंदर हमें देखने को मिलता है फ्रेगमेंटेशन जिसमें क्या होता है कि फ्रेगमेंटेशन अकर्स वैन अ शूट दैट इज रूटेड बिकम डिटैच फ्रॉम द मेन ग्रुप ठीक है यहाँ पे आप स्पैरोगैरह ये सिंगल देख रहे हैं एंड देन क्या होगा कि ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है ठीक है इसके फ्रेगमेंट्स हमें अलग अलग टुकड़े दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे एंड देन उसके बाद क्या होगा कि ये एक अलग इंडिविजुअल बनेगा और ये दूसरा एक दूसरा स्पायरोगैरा का प्लांट बनेगा ठीक है अब स्पायरोगेरा ये वाला जो है हमारा ये एक इसमें टू में डिवाइड होगा ठीक है एंड देन दिस एलगे विल आल्सो डिवाइड इनटू टू तो इस तरह से इनका रिप्रोडक्शन जो है वो चलता रहेगा देन व्हेन वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स आर अवेलेबल एलगे ग्रो एंड मल्टीप्लाई रेपिडली बाई फ्रेगमेंटेशन तो ये जो हमारा मैथड है बर्डिंग हो गया या फिर फ्रेगमेंटेशन मेथड हो गया इसके अंदर आप देखोगे जो ऑर्गेनिजम है वो बहुत ही रैपिडली ग्रो करते हैं बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इसके अंदर नाओ दीज फ्रेगमेंट्स और पीसेज ग्रो इन टू न्यू इंडिविजुअल तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये हमारा स्पायर वगैरह अलगे है तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है तो ये जो दो पार्ट्स हमारे डिवाइड हुए हैं ये एक न्यू इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेंगे एंड देन आप देखोगे कि कुछ ही टाइम के बाद ये जो दो डिफरेंट पार्ट्स हैं ये भी आगे चल के दो डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे फ्रेगमेंट्स में बढ़ जाएंगे तो इस तरह से इन स्पायरगैरा में हमें ये रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है नाओ नेक्स्ट वी हैव अ स्पोर फॉर्मेशन ठीक है अब ये स्पोर फॉर्मेशन क्या है ये भी एक तरह का असेक्शुअल रिप्रोडक्शन है ठीक है अब ये कहाँ देखने को मिलता है हमें वी विल सी दिस इन अ मोल्ड्स ठीक है आप मोल्ड्स uh, में देख सकते हो फंजाई में देख सकते हो फर्नस में देख सकते हो ठीक है फर्न क्या होता है एक तरह का प्लांट होता है उसमें भी आपको ये स्पोर फॉर्मेशन दिखाई देगा तो ये स्पोर जो है इनके थ्रू ये प्लांट्स रिप्रोड्यूस करते हैं वेन स्पोरस आर रिलीज कीप फ्लोटिंग इन एयर ठीक है अब जैसे ही ये स्पोर्स जो है वो बर्स्ट होंगे तो वो क्या करेंगे वो हमारे एयर के अंदर ही फ्लोट करते रहेंगे ठीक है लेकिन जैसे ही उनको कोई एक फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा स्पॉइलिंग ऑफ फ़ूड हमारा खाना कभी आप लंच बॉक्स स्कूल में लेके गए और आपने नहीं खाया आपका मन नहीं किया लंच खाने का ठीक है आपने क्या किया आपने अपने बैग में रखे रहे और घर जाके आप अपना लंच बॉक्स निकालना ही भूल गए आपने टू डेज़ के बाद अपना लंच बॉक्स देखा तो आप क्या देखोगे कि आपके जो भी खाना था उसके ऊपर Uh, क्या मोल्ड्स ग्रो करने लग जाते हैं ठीक है फंजाई उसके अंदर फंगस आ जाता है तो ये सारा कैसे आ रहा है क्योंकि हमारे एयर के अंदर ऑलरेडी जो स्पोर्स हैं फंगस के स्पोर्स हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं तो जैसे ही उनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं ऑलराइट right, अब ये जो स्पोर है ईच स्पोर इज़ कवर्ड बाई अ हार्ड प्रोडक्टिव कोट ठीक है ये जो स्पोर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हो यहाँ फर्न आप देख सकते हो यहाँ फर्न है हमारे पास फर्न का लीफ है इसके बैक साइड में आप देख रहे हो कि यहाँ पे स्पोर का फॉर्मेशन हुआ है ठीक है अब ये जो स्पोर्स है इनकी जो कवरिंग है ये बहुत ही हार्ड चीज़ से बनी हुई होती है ठीक है अब इसका पर्पज़ क्या होता है सो दैट दीज हार्ड कवरिंग कैन प्रोटेक्ट द स्पोर्स फ्रॉम हाई टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी ठीक है इन सारी चीज़ों से ही बचा सके उसे देन अंडर फेवरेबल कंडीशन अ स्पोर जर्मिनेट्स एंड डेवलपिन टू अ न्यू इंडिविजुअल तो ये स्पोर्स अब क्या होगा कि ये स्पोर्स जब बर्स्ट करेंगे तो बर्स्ट करने के बाद इसमें से जो भी स्पोर्ट्स निकलेंगे वो एयर में ट्रैवल करते रहेंगे ठीक है और जहाँ कहीं भी इन्हें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी वो वहाँ पे ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे तो एग्जांपल क्या क्या है कौन कौन से ऑर्गेनिज्म में हमें ये देखने को मिलता है तो प्लांट्स के अंदर हमें फर्ंस में मॉस में एंड फनजाई में सो so, ये तीन चीज़ें हैं जहाँ पर हमें ये स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है नाउ नेक्स्ट सो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सो so, अभी आज हमने क्या क्या पढ़ा है उसको एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं ठीक है आज हमने रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन के बारे में जाना था रिप्रोडक्शन क्या होता है अ प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम देयर पेरेंट इज नोन एज अ रिप्रोडक्शन सो so, अब प्लांट रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर टू मोड्स से रिप्रोडक्शन होता है वन इज योर असेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड द अदर वन इज योर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन अब असेक्शुअल रिप्रोडक्शन क्या है सिर्फ सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है वेर एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं अब असेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमें वेजिटेटिव पार्ट से देखने को मिलता है ठीक है अब वेजिटेटिव पार्ट्स अगर बोला जाए तो वेजिटेटिव पार्ट मतलब क्या होता है कि लीव्स हो गए स्टेम हो गए रूट हो गए बर्ड हो गए ठीक है इन सारे पार्ट से अगर कोई भी पार्ट प्लांट uh, जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहा है दैट मीन्स वो असेक्शुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है ठीक है वेर एज जब रिप्रोडक्शन हम सेक्शुअली देखेंगे तो उसके अंदर कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होगा वो फ्लावर होगा सो वी कैन से दैट द फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट नाउ नेक्स्ट right. हमने डिस्कस किया था कि अ रिप्रोडक्शन कितने डिफरेंट टाइप्स के होते हैं फर्स्ट वन वॉज योर फर्स्ट वन वॉज योर बर्डिंग सॉरी बाइनरी फिशन देन मल्टीपल फिशन ठीक है देन बर्डिंग देन फ्रेगमेंटेशन स्पोरुलेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ठीक है अब ये हमने चार चीज़ें यहाँ पे इस क्लास में पड़ी हैं बाकी की जो बाइनरी फिशन है मल्टीपल फिशन है वो प्लांट में नहीं देखने को मिलता है इसलिए हमने यहाँ पे नहीं पढ़ा है ठीक है वो एनिमल्स में हमें देखने को मिलता है ना नेक्स्ट आप देखोगे कि ये हमारा जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इज़ अगेन डिवाइडेड इन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ठीक है अब जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है उसके अंदर आप देखोगे कि रूट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टेम एंड लीफ एंड वेर एज आर्टिफिशियल के अंदर क्या होता है कि इसमें ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट भी होता है और वो कौन कौन से मैथड्स होते हैं क्या होता हमारा कटिंग देन ग्राफ्टिंग ठीक है अब ये लेयरिंग और टिश्यू कल्चर है ये हमारे अभी सिलेबस में नहीं है तो हम इसको यहाँ पे नहीं हमने नहीं पढ़ा इसमें ठीक है नेक्स्ट आप देखोगे कि हमने पढ़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाय रूट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखनी है कि रूट के थ्रू कौन कौन से प्लांट्स में रिप्रोडक्शन होता है सो फर्स्ट वन इज़ योर शुगर केन ठीक है शुगर केन एंड डहेलिया ये टू एग्जाम्पल्स आप याद रखेंगे आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप यू कैन राइट इट ठीक है नेक्स्ट है आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बाई स्टेम अब स्टेम में भी आप देखोगे स्टेम से भी प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं वो कौन कौन से प्लांट्स हैं हमारे पास सो फर्स्ट वन इज़ योर पोटैटो देन सेकेंड वन इज योर जिंजर ठीक है एंड यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि अनियंस भी हैं एंड गार्लिक्स भी हैं ये भी हमारे स्टेम होते हैं ठीक है ना नेक्स्ट वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय लीव्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये क्वेश्चन हमेशा आता है यू हैव टू रिमेंबर ब्रायोफाइलम जो प्लांट है हमारा उसके अंदर हम देखते हैं रिप्रोडक्शन बाय लीव्स ठीक है नाउ नेक्स्ट हमने कटिंग मेथड के बारे में पढ़ा था अब कटिंग मेथड में कौन कौन से एग्जांपल है प्लांट के दैट इज योर रोज शुगर केन हैबिस्कस ठीक है ये सारे एग्जांपल हैं देन ग्राफ्टिंग मेथड ग्राफ्टिंग मेथड में क्या होता है कि है हम टू डिफरेंट प्लांट्स को लेते हैं और उनको ज्वाइन कर देते हैं ठीक है और वो दोनों प्लांट एक सिंगल प्लांट की तरह ग्रो करता है नाउ नेक्स्ट वी स्टडीड अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के थ्रू बहुत ही कम टाइम में हमारा नया प्लांट जो है वो ग्रो करता है Whereas इसमें जो भी प्लांट हमारा जो भी न्यू प्लांट हमारा डेवलप करता है वो बिल्कुल अपने एग्जैक्ट फोटो कॉपी होता है अपने पेरेंट की देन फ्लावर्स जो है वो भी सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं एंड डिजायरेबल कैरेक्टर ऑफ फ्रूट कैन बी मेंटेन्ड ठीक है नेक्स्ट हमने पढ़ा था बडिंग और बडिंग मेथड हमें कहाँ देखने को मिलता है हमें ईस्ट में देखने को मिलता है ठीक है अब नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन फ्रेगमेंटेशन हम देखते हैं स्पायरोगेरा एक तरह की एलगे होती है उसमें फ्रेगमेंटेशन मेथड होता है देन स्पोर फॉर्मेशन स्पोर फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन किस किस में होता है हमने पढ़ा था कि मॉसेस फर्ंस फंजाई ठीक है इनके अंदर हम स्पोर फॉर्मेशन देखते हैं ये सारे प्लांट्स जो हैं वो स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं दैट्स इट फॉर टूडे क्लास आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड